मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है और नमक हल्दी डाल के प्रेशर कुकर में रख रही हूँ। एक सीटी आने तक इसे पका लिया है। अब मैं कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ये घी डाल दिया है और ये कुछ खड़े मसाले थे जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे भून रही हूँ और अब मैं इसमें मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भूनना है। प्याज मेरा ये अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ये मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट भी बीच में डाल दूंगी। अब मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है, मसाला डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक डाला है इसमें। एक नींबू का रस है ये भी डाल दिया है इसमें। मसाला भुन गया है। अब कुकर को खोलेंगे। अब ये मसाला जो बनाया था ये कुकर में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। चार सौ ग्राम चावल मैंने धो के ले लिए हैं, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। एक कटोरी पानी डालना है इसमें। पानी कम लग रहा है तो आधा कटोरी और डाल दिया। डेढ़ कटोरी पानी डाला इसमें। सीटी आने तक वेट करेंगे इसकी। और अब मैं पापड़ तलने लगी हूँ। तेल गर्म हो गया, मैं पापड़ तल रही हूँ। पापड़ तल के तैयार हो गया। मैं कुकर खोल के देखूंगी। चिकन बिरयानी बन के तैयार है। बिरयानी को गरम गरम बिरयानी को पापड़, दही और सलाद के साथ परोसें।